हम दैनिक जीवन में वस्तुओं को बांटते हैं, वस्तुओं को एक वस्तु को कई हिस्सों में बांटने की हमें जरूरत पड़ती रहती है। तुम लोग आधा, तिहाई या चौथाई शब्द से परिचित हो, सुनते रहते हो। आज हम जैसे एक सेब बांटना है दो लोगों में बराबर बराबर, तो उसके दो भाग करते हैं। आज हम सीखेंगे कि गणित में इस हिस्से को, संपूर्ण के हिस्से को कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। ये एक वृत्त है, इसके एक ये छायांकित भाग कितना है, ये टुकड़ा है। अब बताइए, क्या ये दोनों टुकड़े हिस्से बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं है। इसे कहते हैं असमान भाग। कैसा भाग है? असमान भाग। पुनः इसका छायांकित भाग, आयत आयत का, ये बराबर है या बराबर नहीं है? नहीं है, ये है असमान भाग। कैसा भाग है? असमान भाग। ये एक आयत है। क्या है आयत इसके? कितने हिस्से किए गए हैं? दो दो। दोनों हिस्से कैसे कैसे हैं? बराबर। बराबर है। अब एक भाग को हम छायांकित कर देते हैं। ये छायांकित भाग को पूरे का क्या कहेंगे? इस छायांकित भाग को, जैसे ये पूरा एक आयत है, पूरा क्या है? आयत। एक एक चीज है पूरी। इसके दो बराबर हिस्से हुए, तो एक हिस्से को क्या कहोगे? समान भाग। समान भाग हो गए। जैसे एक सेब है, उसके दो हिस्से करते हो, एक हिस्सा तुम्हें मिलता है, तो उसको क्या बोलते हो? कितना मिला तुम्हें? आधा। आधा मिला। तो ये हिस्सा छायांकित कितना है? आधा। आधा। दूसरा देखिए, ये त्रिभुज है, इसके दो हिस्से हुए हैं बराबर बराबर। इसमें छायांकित भाग को क्या बोलेंगे? आधा ये पूरे का क्या है? आधा आधा। आधा। तो किसी चीज के अगर दो बराबर हिस्से हो, तो एक हिस्से को क्या बोलेंगे? आधा। आधा। इसी तरह हम किसी चीज के तीन बराबर हिस्से करें, कितने हिस्से? तीन बराबर हिस्से। तो एक हिस्से को क्या बोलेंगे? आधा। आधा। तीन हिस्से किए जाए, तो तीन लोगों में बांटा जाए किसी चीज को, तो एक हिस्से को क्या कहेंगे? देखिए, अच्छा इसमें अब ये छायांकित भाग पूरे का कितना कहलाएगा? आधा। आधा नहीं है। दो दो आधा तो उसे कहते हैं एक चीज के दो बराबर हिस्से हों, तो एक हिस्सा क्या कहलाएगा? आधा। इसमें तीन हिस्से किए गए हैं, दो पूरा होगा। तिहाई। इसको क्या बोलेंगे? तिहाई। तिहाई। अब इसको हमें, ये छायांकित भाग पूरे का कितना है? एक तिहाई। एक तिहाई। छायांकित भाग कितना है? एक तिहाई। अब हम इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? किस रूप में? भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में किसी हिस्से के, संपूर्ण के, किसी एक चीज के जितने बराबर हिस्से किए जाएं, जितने, बराबर इसके हिस्से कितने बराबर हिस्से किए गए हैं? तिहाई। तीन। एक, दो, तीन। तीन। कितने हिस्से किए गए हैं? तीन। तीन हिस्से किए। तो जितना छायांकित भाग है,
वो पूरे का तिहाई है, और भिन्न गणित में इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? जितना छायांकित भाग है एक विभाजक रेखा है, जितना छायांकित भाग है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो जितने जितने बराबर टुकड़े किए गए हैं उसको तीन टुकड़े। तो इस छायांकित भाग को हम क्या कहेंगे? एक बटे तीन। इसी तरह इसके हिस्से को कितना बोलेंगे गणित की भाषा में? एक बटे दो। क्योंकि इसके दो बराबर भाग किए गए हैं। हाँ तो बच्चों, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में कैसे लिखा जाएगा? ये अब छायांकित भाग की भिन्न क्या होगी? छायांकित भाग की संख्या बटे एक बटे तीन बटे कुल कुल भागों की संख्या। छायांकित भाग की भिन्न क्या है? छायांकित भाग की संख्या बटे कुल भाग की संख्या। तो छायांकित भाग की संख्या कितनी है? एक। छायांकित भाग की संख्या क्या है? एक। और कुल भागों की संख्या कितनी है? तीन। तो इस प्रकार किसी चीज के जितने बराबर हिस्से किए जाते हैं वो हर कहलाता है। नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? हर। और ऊपर वाले को अंश। अंश। और ये बीच की लाइन को विभाजक रेखा। विभाजक रेखा। तो किसी हिस्से को बटे के रूप में लिखने को ही हम भिन्न कहते हैं। भिन्न क्या है? किसी संपूर्ण के हिस्से को बटे के रूप में लिखने को क्या कहते हैं? भिन्न। अच्छा, एक दूसरा प्रश्न बताइए। इस वृत्त के कितने हिस्से किए गए हैं? चार। समान भाग है? हाँ। इसमें एक भाग को हम छायांकित करेंगे। अब छायांकित भाग की भिन्न को क्या लिखेंगे? एक बटे चार। तुम बताओ। एक बटे चार। क्योंकि हिस्से कितने किए गए हैं? चार। तो छायांकित भाग की भिन्न को क्या लिखेंगे भिन्न के रूप में? इसके एक बटे चार। समझ में? जी। अब थोड़ा सा देखिए, अगर हम इसके तीन हिस्से को लिखना चाहें, छायांकित भाग तीन करें, दूसरे वृत्त में देखिए। इसमें छायांकित भाग कितना है? तीन बटे एक। छायांकित भाग कितना है? चार। कुल हिस्से कितने हैं? चार बराबर भाग है। तो जो बराबर भाग होता है वो कहाँ लिखा जाता है? नीचे। छायांकित हिस्सा कितना है? तीन। तीन भाग है, एक दो तीन। इसमें छायांकित हिस्सा कितना है? एक तीन। छायांकित भाग कितना है? तीन। तीन। और कुल भाग कितने हैं? चार। तो छायांकित भाग की भिन्न क्या होती है? छायांकित भाग बटे कुल भाग। छायांकित भिन्न छायांकित भाग की भिन्न को क्या कहेंगे? छायांकित भाग बटे कुल भाग। तो छायांकित भाग कितना है? तीन है। और कुल भाग कितना है? चार। तो भिन्न क्या बनेगी? तीन बटे चार। बिल्कुल सही। तीन बटे चार। छायांकित भागों की संख्या है तीन। और कुल भागों की संख्या चार। इस भिन्न को हम पढ़ेंगे तीन बटे चार। तो जितने हिस्से किए जाते हैं उसके जितने हिस्से को भिन्न के रूप में दिखाना है वो ऊपर लिखा जाता है। इसमें अंश कितना है? तीन। और हर कितना है? चार। और भिन्न क्या पढ़ी जाएगी? तीन बटे चार। अब हम बताएंगे समान भिन्न किसे कहते हैं।
समान भिन्न। ये दो आयत है, दोनों आयत क्या है, बराबर है। बराबर। पहले आयत के हमने चार बराबर भाग किए, कितने भाग किए, चार बराबर भाग, और दूसरे के दो बराबर भाग। दो बराबर। पहले भाग के पहले आयत के कितने भाग छायांकित हैं, दो भाग, दो, कितने दो, भाग छायांकित हैं, दो, दो, तो भिन्न क्या होगी, दो बटे दो, दो बटे चार, चार, पूरे भाग कितने हैं, चार, चार, दो बटे चार, दो बटे कितना हुआ, चार, चार। दूसरे दूसरे आयत का दो भाग है और एक भाग छायांकित है, इसकी भिन्न क्या होगी, एक बटे दो, एक बटा दो, एक बटा दो, दो, ठीक, एक बटा दो। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों हिस्से क्या है, छायांकित हिस्सा दोनों का क्या है, बराबर, बराबर है। इसका मतलब हुआ कि एक बटे दो और दो बटे चार आपस में क्या है, बराबर, बराबर है। तो जो दो बटे चार जितना हिस्सा है उतना हिस्सा कितना है, एक बटे दो, दो। इस तरह से इस भिन्न को क्या कहते हैं, समान, समान भिन्न। अब इसमें दो बटे चार को एक बटे दो लाने के लिए दोनों में भाग दें, एक ही संख्या दोनों जो कट जाते हो तो ये भिन्न सरल हो जाएगी। तो सरल करने के लिए इसको हम दो से भाग करेंगे, कितने से भाग करेंगे, दो से, दो से दो में भाग किया कितना हुआ, एक, एक। और चार में भाग किया तो दो, दो। अब ये दूसरे भिन्न, पहली भिन्न जो दो बटे चार थी किसके बराबर हो गई, एक बटे दो, ये भी कितना है, एक बटे दो। इस तरह इस भिन्न को क्या कहते हैं, समान भिन्न। ये दो समान वृत्त हैं, कैसे वृत्त हैं, समान वृत्त, एक के चार हिस्से किए गए, एक के दो, एक के दो, दो। इसके दो भाग छायांकित कर दे तो क्या हो जाएगा, दो बटे, दो बटे चार, चार, चार। इसका एक बटे दो, ये दोनों क्या है, एक बटे समान, इसको कौन से भिन्न कहते हैं, समान, समान भिन्न। अब भिन्न आप लोगों की समझ में आ गया होगा। बताइए, किसी चीज के, किसी एक चीज के पांच बराबर हिस्से किए जाएं, कितने हिस्से किए जाएं, पांच बराबर हिस्से, उसमें एक हिस्से को क्या कहेंगे भिन्न में, एक बटे पांच, एक बटे पांच, जितने एक क्या है भिन्न में, दो, अंश, और पांच क्या है, हर, हर।